सरकारी नौकरियों में से सबसे प्रतिष्ठित IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और IPS इंडियन पुलिस सर्विस माना जाता है। इन दोनों की परीक्षा में पास करना बहुत ही कठिन होता है। तो आज हम बात करेंगे IPS आप कैसे बन सकते हो, इसके लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एज चाहिए, क्या हाइट चाहिए, सारे कुछ के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आती है IPS का फुल फॉर्म क्या है। IPS का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसको हिंदी में कहती है भारतीय पुलिस सेवा। इसको शुरुआत हुआ था 1948 में, शुरुआत किया था और पहला महिला IPS ऑफिसर है किरण बेदी। आप आती है इसका क्वालिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन आती है IPS बनने के लिए आपको 12th पास जरूर करना है किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी सब्जेक्ट में आप 12th पास कर सकते हो। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा, किसी भी विभाग में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा और ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स अनिवार्य है। अब IPS बनने के लिए आपको कौन कौन सा एग्जाम पास करना पड़ेगा। तो फर्स्ट UPSC एग्जाम में बैठना होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इधर आपको 8 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट मिलती है, जिधर में से 600 से 700 स्टूडेंट चुने जाती है। उसके बाद आपको प्री एग्जाम देना पड़ता है, जिधर पर आपको MCQ क्वेश्चन पूछी जाती है और इधर 2 पेपर मिलती है और 200 अंक का होता है। उसके बाद आपको मेन एग्जाम देना पड़ता है, जिधर आपको 9 पेपर मिलती है और 7 मेरिट के लिए होती है और 2 भाषा के लिए होती है। उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, जिधर पर आपको 275 अंक का नंबर रहती है, जिधर पर 30 से 45 मिनट तक इंटरव्यू होती है। इधर पर आपको आत्मविश्वास, विचार क्षमता, कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज सारी कुछ देखने के बाद आपका सिलेक्शन किया जाता है। आप नेशनलिटी के बारे में बात करती है, नेशनलिटी अगर आप इंडियन हो इस एग्जाम जरूर दे सकते हो, या फिर अगर नेपाल या फिर भूटान में बात करती हो फिर भी आप इस एग्जाम में बैठ सकती हो। अब आती है इसकी हाइट। हाइट आपका 5 फीट 5 इंच तक होना चाहिए और महिला के लिए 5 फीट होना चाहिए। आपका छाती 84 होना चाहिए और महिला के लिए 79 होना चाहिए। अब इसकी एज के बारे में बात करते हैं। एज मिनिमम एज जो होना चाहिए वो 21 से लेकर 32 होना चाहिए जनरल के लिए, और OBC के लिए 21 to 35 तक होना चाहिए, और SC ST के लिए 21 to 37 तक होना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ठोक देना और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लें।